पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां पर वो भेल के सेक्टर 4 स्थित सामुदायिक केंद्र में छठ पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही हरीश रावत पूर्वांचल की महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज हरिद्वार दौरा है, जहाँ पर आपको बता दें हरिद्वार दौरे पर वो पहुंचे और ऐसे में हरीश रावत छठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही हरीश रावत पूर्वांचल की महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के कई जिलों में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियाल के नेतृत्व में किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दी गई राहत को नाकाफी बताया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यों के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी सरकार को पूरी तरह से घेरती हुई कांग्रेस इस समय नजर आ रही है। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे देश में इस समय गुस्सा है। एक तरफ विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है, वहीं जनता भी सरकार से नाराज नजर आ रही है। दरअसल दिवाली के मौके पर सरकार ने भले ही पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की हो, दाम घटा दिए गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से और सामानों पर ये जो ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिए गए हैं और उसके बाद बढ़ती महंगाई है, उससे जनता भी परेशान है। और ऐसे में विपक्ष को एक बार फिर से और मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, और इसी कड़ी में उत्तराखंड के तमाम जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। आज हम लोग इसी के विरोध में, जो महंगाई के विरोध में आज पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गुड़ियाल का आह्वान पर हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के काम ये कांग्रेस भाजपा का चुनाव मुद्दा था, इसलिए कम कर रहे हैं। इसके बाद जैसे चुनाव निकल गए फिर बढ़ा देंगे। आज प्रदेश कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के द्वारा आदेशित जो किया गया था कि पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उसको कम करने की मांग को लेकर जो है आज यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों के बाहर प्रदर्शन किया गया है। और हमारी सरकार से मांग है, हमारा ये विरोध है कि सरकार जो है दिनों दिन जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रही है, उनको कम किया जाए, और गैस सिलेंडर जिससे कि एक आर्थिक बोझ महिलाओं पर बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, घर गृहस्थी सब लोगों के बहुत ही ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है, तो उसको अगर इसके दाम ये कम करेंगे तो निश्चित ही जो है ये प्रदेश एक खुशहाली की ओर जाएगा। आज पूरे हमारे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जो ये डीजल के, पेट्रोल के और गैस के, रसोई तेल के जो दाम बढ़े हुए हैं, उन दामों को लेकर के पूरी कांग्रेस पार्टी का माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर आज हम लोगों ने यहाँ पर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया है। और जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आने वाला समय जो है ये भाजपा सरकार को गर्त में लेकर के जाएगा, और आने वाले समय में 2022 में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी।